हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं पर्शियन व्लॉग्स। तो इस वीडियो में हम जा रहे हैं फ़िलहाल बाहर, तो कुछ मैंने अप्पड़ वगैरह लेना है क्योंकि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे काफ़ी दिन से जाना था बाहर, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज सुबह जल्दी उठाऊँ क्योंकि काम पर भी जाना है मैंने। तो सोचा देख जाके थोड़ा शॉपिंग कर लूँ व आप लोगों के साथ ले चलूँ कि यहाँ पर किस सारा शॉपिंग किया जाता है चीप प्राइस में। Like a bird on a tree। जिस तरह के पिछले वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे जो टोटल चार्जेस है वो कितनी है, तो मेरे से भी 3.5 कुरुश उन्होंने टिकट का चार्ज किया क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मैं वहाँ पे वर्क करता हूँ, तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो आप चलते हैं, वेट करते हैं ट्रेन का। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here, world seems small, we can sit too। तो हम आए यहाँ पे मारखानतालिया, ये जो मॉल्स है यहाँ पे हमने शॉपिंग करनी है, तो चलते हैं अंदर चलते हैं। Together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free। हम यहाँ पे तो अप्पड़ लेने हैं, ये कोटोंग के मार्केट के में। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, तो देखिएगा। तो हम नेक्स्ट शॉप पे ट्राई करेंगे क्योंकि हम कोई चीप प्राइस में कुछ तलाश कर रहे थे, हमें चीप प्राइस मिल जाए तो हम वो ले लेंगे। तो एक्चुअली मैं ढूंढ रहा हूँ अपर क्योंकि ये अंतालिया में इतना सर्दी नहीं है कि मैं यहाँ पे जैकेट ले लूँ। ऑलरेडी मेरे पास जैकेट्स 2-3 हैं, तो मैं अपर की तलाश कर रहा हूँ। मैं इस्तांबुल था पहले, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होता था, वहाँ पे जैकेट्स की बहुत ज़रूरत थी, पर यहाँ पे सिर्फ अपर जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं क्योंकि अंतालिया इतनी सर्दी नहीं पड़ती यहाँ पर। तो मेरा दूसरा साल यहाँ पर, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गई यहाँ पर। तो हम चलते हैं, अभी अपर ढूंढ रहे हैं। तो सस्ते प्राइस में तो एक ही जगह मिलेगी, वो एलसी वाका की, तो तलाश कर रहे हैं अभी। तो बाकी यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स है, बॉयनेट भी मेरे सामने आ गया। बॉयनेट बहुत अच्छी ब्रांड है, बहुत अच्छी ब्रांड है, पर इस टाइम मेरा बजट आउट हो जाएगा, बॉयनेट पे चल जाऊँ। तो नीचे के सेक्शन में तो हमें कुछ मिला नहीं है, तो हम ऊपर जा रहे हैं। एक शॉप है एलसी के नाम से, एलसी वाका की, तो वहाँ पे मैंने बहुत सुना है कि फ्लाइट चीप प्राइस में मिल सकती है वहाँ पे क्लोथ्स वगैरह। तो हम जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे, अब हमारा साथ देखेगा। Take a step back to see the truth around you, from a distance you can tell। हम फाइनली एलसीसी में आ गए, तो यहाँ के जो प्राइजेस हैं काफ़ी मुझे अच्छा मुनासिब लग रहा है। यहाँ पे दूसरे शॉपों से काफ़ी सस्ता लग रहा है। यहाँ पे मुझे जैकेट्स भी, हालांकि मैंने लेना है आप पर, तो ढूंढ के फिर आता हूँ।
to be. ये बहुत अच्छी शर्ट मुझे जो लगी वो 49 की 49 लीटर की है, पर जो अपर मैं ढूंढ रहा हूँ तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे वीकेंड्स पे सेल लगती है, वहाँ पे आप इजीली ये सस्ते प्राइस में ले सकेंगे। तो इस टाइम तो बिल्कुल रेट बहुत ऊपर है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रहा। तो हम वीकेंड पे आएंगे तो यहाँ से ही हम शॉपिंग करेंगे। तो हम जाने वाले हैं किसी मैकडोनल्ड या के KFC वगैरह में कुछ खाने के लिए। भूख तो बहुत लग रही है, सुबह के टाइम है, कुछ खा के भी नहीं आए घर से, तो चलते हैं। In the great outdoors, forever free. और ये आ गया मेरा फेवरेट प्लेस, मैकडोनल्ड फूड्स सहब्रो। तो ये मेरे फेवरेट प्लेस है, तो अभी हम ढूंढते हैं किसी अच्छी जगह बैठ के फिर मंगवाते कुछ। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors forever. जो चीज हम लेने आए तो वो तो इस टाइम बहुत एक्सपेंसिव है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि वीकेंड्स में आपको सेल्स में मिल जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड्स में सेल में लगाते हैं। ये जितने भी मॉल के अंदर जितने भी शॉप्स हैं वो वीकेंड में सेल में लगा लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर रश तब होता है, तो इसलिए सेल्स भी तब लगाना शुरू करते हैं ये लोग। तो हम भी वीकेंड को आएंगे यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने अपने लिए, तो इसमें इस टाइम तो आउट ऑफ बजट है, तो हम ले नहीं पाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ हम लोग को पसंद आई होगी।